देखो ये वीडियो बनाते बहुत सुंदर, लोगों के हर तरह की वीडियो बनाते हैं, इनको मोच आ रखी है। तो मेरे पास आए थे परसू, कब आए थे? परसू आए थे, और आज मैं इनका मोच निकाला हूँ, पट्टी बांधा हूँ, अभी ये ठीक चल रहे हैं, अच्छा लग रहा। तो इन बहनों ही इनका जो वीडियो है उनका लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज चुके हैं सुबह के 10:30 और मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे जाना है वैद की शॉप पर, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था मेरी पट्टी ना मुझे 3 दिन बाद चेंज करानी पड़ेगी, तो हम लोग पट्टी भी चेंज कराने जाएंगे। और मैं ना उनसे ये भी पूछने वाली हूँ, जो मेरे पैर का पेन है ना वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ना जब रात का टाइम होता है ना तो ये पेन बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, जिसकी वजह से ना मुझे सोने में भी प्रॉब्लम हो जाती है रात में, और चलने में तो प्रॉब्लम है ही। बाकी देखते हैं वो क्या बोलेंगे। अभी हम लोग ऑटो से ही जाएंगे क्योंकि जो वैद की शॉप है वो हमारे घर से थोड़ा दूर है, तो हम लोग ऑटो से जाएंगे। ऑटो आने ही वाला है क्योंकि मुझे चलने में प्रॉब्लम है, तो पापा ने बोला है जब ऑटो आ जाएगा तभी तुम आना घर के बाहर, क्योंकि मुझे नीचे उतरने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है और फिर चलने में भी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए जब ऑटो आ जाएगा तब हम लोग निकलेंगे। बाकी मैं रेडी हूँ, ध्रुव भी रेडी है, और देखते हैं वहाँ कितना टाइम लगता है आज हमें, क्योंकि जब हम जाते हैं तो रास्ते में भी टाइम लग ही जाता है, फिर वहाँ पर भी टाइम लगता है। तो जब मैं घर आ जाऊँगी मैं तब आप लोगों से बात करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं निकलूँगी अपनी पट्टी चेंज कराने के लिए। हम लोग निकल चुके हैं वैद की शॉप के लिए और आप लोग देख ही रहे हो मुझे चलने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। चलने में ना मुझे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है पैर में, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रही हूँ चलने की, जिससे कि मेरा पैर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और ध्रुव ना मेरी बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है चलने में, जब भी मैं चलने की कोशिश करती हूँ तो ध्रुव बोलता है कि मम्मा मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं वैद की शॉप के लिए। हम लोग पहुंच चुके हैं वैद की शॉप पर, और ये जो वैद की शॉप है ये हिमालय पहलवान के नाम से है। हम लोग शॉप के अंदर गए और यहाँ पर जो शॉप के ओनर है यानी कि जो अंकल जी हैं, मैंने इनको बोला कि मुझे जो पैर में पेन है वो बहुत ज़्यादा ही है, पैर में बिल्कुल भी रिलीफ नहीं हो रहा है दर्द में। तो उन्होंने बोला कि इस चोट को ठीक होने में लगभग 5 से 10 दिन लग ही जाएंगे, क्योंकि जो मेरे पैर में चोट लगी थी ना वो बहुत ज़्यादा ही लग गई थी, क्योंकि जो पैर का गट्टा है बहुत ज़्यादा ही पेन कर रहा है मेरा अभी भी। तो उन्होंने बोला है कि फर्स्ट डे के मुकाबले पैर में थोड़ा रिलीफ है, लेकिन 5 से 10 दिन फिर भी लगेंगे ही इसको ठीक होने में। तो आज उन्होंने मेरी फिर से पट्टी चेंज की और मुझे पैर में ना बहुत ज़्यादा ही पेन भी हुआ, लेकिन उन्होंने मेरी पट्टी चेंज की और फिर मैंने उनसे जो भी चीज़ें पूछी उन्होंने मुझे बताई, और कुछ उन्होंने मुझे दवाइयाँ भी दी है कि इस दवाइयों को लेने से तुम्हारे जो पेन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। देखो ये गुड़िया आ रही है, आप वीडियो बनाते हैं? देखो ये वीडियो बनाते हैं बहुत सुंदर, लोगों के हर तरह की वीडियो बनाते हैं, इनको मोच आ रखी है। तो मेरे पास आए थे परसू, कब आए थे? परसू आए थे, और आज मैं इनका मोच निकाला हूँ, पट्टी बांधा हूँ, अभी ये ठीक चल रहे हैं, अच्छा लग रहा। तो इन बहनों ही इनका जो वीडियो है उनका लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इनको बहुत बहुत धन्यवाद। पट्टी वगैरह मेरी चेंज हो चुकी है और आप लोगों ने देखा ही, यहाँ के जो शॉप के ओनर हैं उन्होंने हमसे बहुत सी बातें की, हमसे भी की, आपसे भी की, बहुत अच्छा लगा उनसे बातें करके। और अब हम लोग निकल चुके थे वापस घर के लिए। हम लोग आ चुके हैं घर और यहाँ पर मम्मी कपड़े धो रही हैं, मम्मी ने मशीन लगा ली है, और जब से मेरे पैर में चोट लगी है ना मम्मी का काम बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है, क्योंकि मेरे भी काम हैं, ध्रुव के भी काम हैं और घर के भी काम हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने मशीन लगा ली है, मम्मी कपड़े धोएंगी और मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ दवाई खाकर, क्योंकि मेरे पैर में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि मुझे सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर आना पड़ा है ना, तो बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है। यहाँ पर ध्रुव भी अपनी शैतानियाँ चालू कर चुका है घर पर आते ही।
ध्रुव और मैं यहाँ पर करने लगे थे लंच, क्योंकि मम्मी ने हमारे लिए लंच रेडी कर दिया था, क्योंकि लंच टाइम भी हो ही गया है और मुझे दवाइयाँ भी लेनी है। तो यहाँ पर ध्रुव और मैं लंच करेंगे और फिर मैं लूंगी अपनी दवाइयाँ। और यहाँ पर आप लोग ध्रुव को देख ही रहे हो, ध्रुव को लंच नहीं करना था। ध्रुव मांग रहा था अपने मामा से कैंडी, कि मुझे कैंडीज ला के दो। तो यहाँ पर मैंने लंच किया और लंच करने के बाद मैंने अपनी दवाइयाँ वगैरह ली, और ध्रुव ने जो कैंडीज वगैरह अपने मामा से मंगाई थी उसके मामा वो लेकर आए, और ध्रुव की खुशी आप लोग देख ही सकते हो। गाइज अभी बच चुके हैं शाम के 4 और हमारी बन रही है चाय। मम्मी चाय बना रही है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मम्मी ना डिनर भी जल्दी रेडी कर रही हैं, क्योंकि ध्रुव का मन कर रहा है आलू मटर के चावल खाने का। तो यहाँ पर मम्मी ने आलू मटर के चावल रेडी कर दिए हैं अभी, मतलब उनमें तड़का ही लगाया, थोड़ी देर में रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारी चाय भी बन चुकी है, तो मम्मी चाय लेकर आएंगी। बाकी हम लोग पट्टी कराने गए थे, पट्टी मेरी हो चुकी है और पट्टी मुझे 3 दिन बाद फिर जाना है चेंज कराने के लिए। उन्होंने बोला है कि ये ठंड में चोट लगी है, तो जो ठंड की चोट होती है ना वो जल्दी ठीक नहीं होती है। बाकी पैर में थोड़ा रिलीफ है पहले से, उन्होंने जब पट्टी हटाई थी तो उन्होंने मुझे दिखाया भी कि जब मैं फर्स्ट डे गई थी तो मेरे पैर में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी, लेकिन अब थोड़ी प्रॉब्लम कम हो चुकी है। तो 5 से 10 दिन में ये पैर मेरा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा यानी कि। और अभी मेरी चाय बन चुकी है, यानी कि मम्मी ने चाय बना दी, हम लोग शाम की चाय पियेंगे। और आप लोगों को आज का मेरा ये पूरा व्लॉग कैसा लगा है आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों को ध्रुव को भी दिखाती हूँ, ध्रुव इस टाइम क्या कर रहा है। ध्रुव है दूसरे रूम में और इस टाइम ना आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है शाम के टाइम भी। ध्रुव यहाँ पर एंजॉय कर रहा था अपने नाश्ते को, क्योंकि ध्रुव को खाने थे अंडा और ब्रेड, तो मम्मी ने उसके लिए वो बनाया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो शाम के 4 बजे हैं, लेकिन इतनी अच्छी धूप है ना, बहुत अच्छी लग रही है धूप देख कर भी। और यहाँ पर ध्रुव एंजॉय कर रहा है अपना नाश्ता। गाइज आप लोगों ने ध्रुव को देखा ही, ध्रुव का चल रहा है नाश्ता शाम के टाइम का। तो ध्रुव ने ना मम्मी से बोला था उसको अंडा ब्रेड खाना है सॉस के साथ, तो मम्मी ने उसको वो बना के दिया है। बाकी मम्मी ने हमारे लिए बना दी है चाय। और आज का मेरा जो ये व्लॉग है ना वो आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि मेरे आगे आने वाले नए व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।